सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्याम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय तो आज मैं आपके सम्मुख में लेकर आया हूँ एक बहुत ही सुंदर और चमत्कारी उपाय जो कि सावन के महीने में आपको प्रारंभ कर देना है प्रारंभ आप सावन के महीने महीना जब से प्रारंभ हो रहा है उसके एक दिन पहले से ही कर दीजिए इक्कीस जुलाई से यानी कि रविवार से ही इस नियम को शुरू कर दीजिए क्या करना होता है इस नियम में और यदि आप ये नियम करते हैं पूरे सावन के महीने तो आपको फल प्राप्त जरूर होता है मैंने स्वयं इस उपाय को करा है पिछले साल जब दो सावन आए थे एक अधिक मास का सावन और एक नॉर्मल सावन तो अधिक मास के सावन और नॉर्मल सावन पूरे सावन मैंने साठ दिन लगातार इस उपाय को करा था और मुझे भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त हुआ है आपको भी इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए मेरा तो यही कहना है यदि संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली माताएं है, मैंने हैं तो उन्हें इस नियम का पालन जरूर से जरूर करना चाहिए पिछले वर्ष की कथाओं में गुरु ने इस उपाय को बताया था आपकी निश्चित रूप से जो संतान प्राप्ति की कामना है ना वो इस उपाय से पूरी हो जाएगी सावन समाप्त होते ही ये कार्य हो जाएगा ये मेरा विश्वास है आपका विश्वास होगा तो आपको भी होगा विश्वास की बात है यदि आप करते हो इस उपाय को तो निश्चित रूप से आपको उसका फल जरूर प्राप्त होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है इक्कीस तारीख यानी कि प्रदोष काल में इक्कीस जुलाई के दिन प्रदोष काल से इस नियम को धारण करना है और धारण करके बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर बेलपत्री का वृक्ष घर में नहीं है तो कोई गमला होगा जिसमें आपने पौधे लगा रखे हैं उस गमले को ले लीजिए और उस गमले को लेकर यदि आपके पास में तुलसी का क्यारे वाला गमला है उसको मत लेना उस तुलसी के क्यारे वाले पौधे को छोड़कर क्या करना है आपको किसी भी गमले के अंदर या फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे वहीं की मिट्टी यदि गमला है तो वहीं की मिट्टी उठाकर उसका शिवलिंग बनाना है और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी तो वहीं की मिट्टी को उठाकर उसका भी शिवलिंग बनाना है जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हो शिवलिंग को बनाने के लिए मिट्टी उठाकर कहीं और नहीं लेके जाना केवल शिवलिंग का निर्माण कर देना है इस प्रकार से शिवलिंग निर्माण करने के बाद में इस शिवलिंग की आपको पूजा करनी है और पूजा करते हुए आपको सबसे पहले तो किन वस्तुओं को इसमें समर्पित करना है पांच बेलपत्र पांच सफेद पुष्प पांच दुर्वा साथ में आपको यदि पाँच शमी पत्र मिल जाए तो शमी शमीपत्र भी समर्पित कर दीजिए और साथ में पांच कनेर के पुष्प ये पांच पांच वस्तुएं जब आप समर्पित करोगे और जब आप इस शिवलिंग का निर्माण कर रहे होंगे मिट्टी उठाकर तो आपको एक महादेव का स्मरण करना है और वो है तुमरुकेश्वर महादेव यही तुमरुकेश्वर महादेव हमें संतान प्राप्त कराते हैं वंश की वृद्धि कराते हैं तो आपको संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि के लिए तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए जब बेलपत्र समर्पित करोगे तो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लोगे अब आप मुझसे पूछोगे कि ये वस्तुएं एक एक करके समर्पित करनी है या एक साथ करनी है एक एक करके समर्पित करनी है बेलपत्र एक एक करके पांच सफ़ेद पुष्प एक एक करके पांच दुर्बा एक एक करके पांच शमी के पत्ते एक एक करके और पांच कनेर के पुष्प एक एक करके अब आप मुझसे एक और प्रश्न पूछोगे पांच अक्षत भी आपको मिल जाए तो पांच अक्षत यानी कि चावल भी आप समर्पित करें अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछने वाले हो कि यदि जिनको ये सभी वस्तुएं प्राप्त ना हो वो क्या करें तो मेरा उनसे यही कहना है भगवान शंकर भाव के बूके हैं आपका प्रेम कितना है शिव जी से आप किस भाव से पूजा कर रहे हैं शिव जी की भाव भगवान भाव देखते हैं ना कि ये देखते हैं कि इसने मुझे पाँच की जगह आज एक ही बेलपत्र समर्पित करा पाँच कनेर के पुष्प तो ये लेकर ही नहीं आई पाँच अक्षत भी नहीं लाई पाँच सफेद पुष्प भी नहीं लेकर आई है आज तो ये ये वस्तुएं नहीं लेकर आई भगवान शंकर कभी ऐसा नहीं सोचते वो केवल और केवल भाव के बूके हैं यदि आप भाव से पांच बेलपत्र ना होते हुए अपनी तीन उंगलियां स्पर्श कर दोगे शिवलिंग पे तो ये भी बेलपत्र के बराबर हो जाती है बेलपत्र के बराबर शिवलिंग पर स्पर्श होती है और स्पर्श होने के बाद में बेलपत्र का भाव शिवलिंग में हो जाता है और भगवान शंकर उसे बेलपत्र की तरह स्वीकार करते हैं तो यदि आपके पास में ये वस्तुएं ना हो तो और केवल पांच बेलपत्र ही हो तो फिर एक ही बात है जो हो वस्तु वो समर्पित करना और यदि आप चाहते हैं कि मैं पांच का नियम ना तोड़ूँ तो फिर जो वस्तु ना हो उसके स्थान पर पांच अक्षत ले लेना पांच अक्षत ना हो तो पांच पांच कनेर के पुष्प ना हो तो पांच अक्षत ले लेना बेलपतर ना हो तो पांच अक्षत यानी कि चावल ले लेना शमी पत्र ना हो तो पांच अक्षत ले लेना और पांच सफ़ेद पुष्प और दुर्वा ना हो तो पांच अक्षत ले लेना और इनको जब हाथ में लो तो ये सारे पांच पांच एक साथ करके समर्पित करना और शिव से बोलना कि मेरे पास कनीर नहीं है इन अक्षतों को कनेर के रूप में स्वीकार करो मेरे पास में शमी पत्र नहीं है इन अक्षतों को शमी पत्र के रूप में स्वीकार करो ये सभी वस्तुएं स्वीकार करके एक दीप प्रज्वलित कर देना शिव जी के सम्मुख में प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है प्रदोष काल आप सभी जानते ही हैं प्रदोष काल होता है जब सूर्य अस्त हो तो सूर्य अस्त से पैंतालीस मिनट पहले और पैंतालीस मिनट बाद का समय ये प्रदोष काल कहलाता है यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं कराया वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए तो आपको पैंतालीस मिनट पहले और जो पैंतालीस मिनट का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है तो जब आप सारी वस्तुएं समर्पित करें एक दीप प्रज्वलित करें और दीप प्रज्वलित करके भगवान शंकर से कामना करें इसके बाद में जब ये दीप बुझ जाए यानी कि ठंडा हो जाए और आपकी जो पूजा है उसको पंद्रह मिनट हो जाए यानी कि आपने पूजा करी शाम को सात बजे दीप प्रज्वलित कर दिया अब दीप सात बजकर दस मिनट पर ठंडा हो चुका है बुझ चुका है लेकिन आपकी पूजा को पंद्रह मिनट नहीं हुए तो पंद्रह मिनट इंतजार करना सात बज के पंद्रह मिनट पर एक कलश जल लेना इसी के साथ में एक बात और बताना मैं भूल गया आपको वह भी बता देता हूँ नहीं तो ये उपाय समाप्त हो जाएगा फिर वीडियो समाप्त हो जाएगा तो जब आप ये शिवलिंग निर्माण करो तो आपको क्या करना है अपने हाथ में दो कलश लेने हैं दो कलश लीजिए और इन दो कलचों से एक साथ जल समर्पित कीजिए तुमरुकेश्वर महादेव और कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेते हुए संतान की कामना करते हुए पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए तुमरुकेश्वर महादेव और कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दो कलचों से इस शिवलिंग का भी अभिषेक अवश्य ही करना विश्वास है कि सावन के महीने में आपको पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति हो जाएगी फिर जब आप पूजा कर ले जैसा मैंने आपको बताया सात दस पे यदि दीपक ठंडा हो जाता है आपको इंतजार करना है पंद्रह मिनट का और सात बज के पंद्रह मिनट पे इस शिवलिंग पे जल डालकर इसका यहीं पर विसर्जन कर देना इक्कीस जुलाई से इस नियम को करना और उन्नीस अगस्त तक इस नियम का अच्छे से पालन करना बीच में यदि आप रजस वाला हो जाते हैं तो कोई बात नहीं बेलपत्र के वृक्ष का केवल और केवल यदि आप स्मरण भी कर लेते हो शाम के समय पे जरूरी नहीं है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना केवल स्मरण भी करते हो तो बाबा आपकी उस दिन की पूजा को स्वीकार करेंगे और ये बाबा मान लेंगे कि आज आपने शिवलिंग बनाकर पूजा की है तो ध्यान रखना जब रजस वाला हो तभी आप ये पूजा मत करना बाकी आप 21 जुलाई से 19 अगस्त तक पूजा करना शिव जी आपके ऊपर कृपा अवश्य ही करेंगे वीडियो को शेयर जरूर कर देना सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव